नमस्कार, AKS विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं हूं शुभ्रा। विश्वविद्यालय के NSS विभाग में उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया, आइए देखें। यदि स्कूल में NSS लिए रहे होंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र ए मिला होगा, यदि नहीं लिए होंगे तो डायरेक्ट वो यहाँ पे प्रमाण पत्र बी के लिए एलिजिबल होंगे। प्रमाण पत्र बी जो होता है वो 2 साल का होता है, आपको 240 घंटे का मिनिमम वर्क करना पड़ता है, उसके बाद इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, परीक्षा होती है, उस परीक्षा को पास करने के बाद आपको प्रमाण पत्र भी मिलता है। फिर उसके बाद जब भी कर लेंगे तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनके मतलब कि वो 2 साल में सेकेंड ईयर में 25 घंटे मिला के भी निकलेंगे, और फाइनल में जाकर के यदि गांधी जो करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। तो होती है एक कैलेंडर बना हुआ है पूरा, आपको कैलेंडर भी दिया जाएगा, उसमें पर्यावरण की समृद्धि के लिए होता है, शिक्षा से संबंधित होता है, आप किसी गांव में जा कर के जहाँ पे चयन होगा वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा है या और जो स्कूलें चल रही हैं जहाँ वहाँ पे जाके पठन पाठन का काम भी संचालित कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्वास्थ्य शिक्षा परिवार कल्याण पोषण आहार जो भी चल रहे हैं जो योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में बताना दिया है तो उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए तत्परता के साथ उसके नियमों का पालन करें और उससे मिलने वाले लाभ से भी वंचित न हो, अर्थात अपने पूरे कोर्स को पूरा करें, क्योंकि तो जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि आपको इंटरव्यू में भी इसके 5 अंक हैं, बशर्ते आप सी सर्टिफिकेट तक अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें। आपके बारे में आपको बताऊँ कि इसके औजार बहुत अधिक नहीं है, ये स्व-अनुशासन की योजना है। 2 तरह की योजनाएं होती हैं, NCC और NSS। NSS अनुशासन, एक उनका प्रशिक्षक होता है, वो आता है, सावधान कैसे होते हैं, विश्राम कैसे किया जाता है, जरा गड़बड़ होती तो पैर से ठोकर भी मार देते हैं, धक्का भी दे देते हैं, चप्पल भी लगा देते हैं, ठीक से खड़े हो, इस तरह से खड़े हो, वैसे खड़े हो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना में जो छात्र आता है वो स्व-अनुशासित हो जाता है अपने आप से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप रहना चाहते हैं विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अपडेट तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।